कोरोना महामारी के इस दौर ने कई परिवार उजाड़ दिए हैं। ऐसा ही एक परिवार सुजालपुर मंडी के श्रीनगर कॉलोनी में निवासरत है। 10 दिनों के अंदर पिता पुत्र तथा माता की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हो चुकी है। घर की बहू भी अस्पताल में कोरोना संक्रमण से जूझ रही है। श्रीनगर कॉलोनी निवासी व्यवसायी कैलाश चंद्र गांधी की कोरोना महामारी के चलते पिछले मंगलवार को मौत हो गई थी। पिता की मौत के 5 दिन बाद शनिवार को बेटे मनीष गांधी की भी मौत हो गई। इसी बीच मनीष गांधी की माताजी विमला देवी भी अस्वस्थ हो गईं और इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। गांधी परिवार की बहू और दो बच्चे ही शेष बचे हैं। बहू भी कोरोना संक्रमित होकर इंदौर में उपचार करा रही है। बताया जाता है कि मृतक मनीष गांधी के एक पुत्र तथा एक पुत्री है। दोनों बच्चे रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं। पिता पुत्र व माता की मृत्यु के बाद शहर में लोग सदमे में बने हुए हैं। पत्रकार दिलीप महेश्वरी की रिपोर्ट।